जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था, कैसे विलग विलग संतों से पूज्य उषा जी का मिलना हुआ। अनेक संत जैसे पूज्य संत श्री ललिता जी बाभूटा, पूज्य श्री मनोहर दास जी, पूज्य संत श्री धर्म जी, संत श्री संतोष बहन जी, श्री दयालपुरी जी महाराज, श्री जती जी महाराज, श्री दुर्गी माँ जी से, श्री कृष्णानंद भारती जी से, श्री हित जी महाराज, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, श्री दीन शरण बाबा जी, श्री गोकुलदास जी, श्री किशोरी रमण जी, श्री शास्त्री जी बरसाना, डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट, श्री कृष्णदास पंडित जी, इन सभी संतों से पूज्य उषा बहन जी का मिलना हुआ। आइए अब आगे सुनते हैं। वृषभानुपुर दर्शन की उत्कट इच्छा, दो सखियों के दर्शन तथा अनुभूतियां, अभूतपूर्व व्यक्तित्व। वृषभानुपुर के सौभाग्य की गाथा कौन कह सकता है, जहां श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति श्री राधा सदा सर्वदा विराजमान हो अपनी माधुरी का प्रसार करती रहती हैं। यह स्थली प्रिया जी की लीलाओं से सिंचित होने के कारण जगत वंदे तो हैं ही, साथ साथ श्याम सुंदर के लिए भी प्रणम्य हो गई हैं। वे भी सदा सदा इस स्थली का सेवन कर अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। श्याम सुंदर को अभीष्ट प्रदान करने वाली वह स्थली सभी के लिए सेवनीय है। प्रिया जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त कर लेने पर श्याम सुंदर सहज ही सुलभ हो जाते हैं। प्रिया जी की निवास स्थली श्री वृषभानुपुर दर्शन की उत्कट इच्छा पूजनीय उषा जी को आलोड़ित करने लगी। वे मौन तो थी ही, श्री जी के दर्शनार्थ वृषभानुपुर चली आईं। यहाँ की स्थलियों में विचरण करती हैं, श्री जी के निज महल में जाती, गहवर वन, सांकरी खोर जाती, दानगढ़, मानगढ़ आदि अनेक स्थलियों के वातावरण का, पूर्व में हुई लीलाओं तथा वर्तमान की सुखद माधुरी का आस्वादन कर मग्न हो जाती। दो सखियों के दर्शन, श्री जी के दर्शन करने जाने का इनका नियम ही था। आज दर्शनों के लिए अकेली ही गईं। ऊपर श्री जी के दर्शन किए लौटते हुए पिछली ओर की सीढ़ियों में किंचित एकांत देखकर बैठ गईं। संध्या की श्यामलता अपना प्रसार करने की आतुरी में सजगता से खड़ी सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां बैठी पूज्या उषा जी ललिता जी की स्थली ऊंचा गांव श्री चंद्रावली के रिठौरा गांव की अपूर्व शोभा निहारती रही। श्यामलता कुछ और बढ़ने लगी। इन्होंने कुछ समय बाद घूमकर पीछे की ओर देखा। वहीं समीपस्थ एक वृक्ष के पास ही 12-12 वर्ष की दो ब्रजवासी बालिकाएं खड़ी थीं। वेशभूषा तथा रूप बिल्कुल सादा था। उनकी चहकती वाणी और विचार गांभीर्य से सुनिश्चित हो रहा था कि यह दोनों बालिकाएं इस जगत की नहीं हो सकती। फिर भी तत्क्षण यह निश्चय कर लेने में भी कुछ शंका बनी रही। कैशोर्य उनके हाव भाव में झलक रहा था। मौन होने के कारण पूज्या उषा जी वैसे ही बैठी रहीं। फिर भी कौतूहलवश दृष्टि घुमा, हंसते हुए उनका अभिवादन अवश्य किया। वे बालिकाएं खिलखिला दीं। एक ने पूछा कहाँ रहे, पूज्या उषा जी ने अंगुली से संकेत कर कुछ कहा। दूसरी तुरंत समझ गई, बोली हाँ वृंदावन रहे। स्वीकृति सूचक पूज्या उषा जी ने सिर हिला दिया, दोबारा बोली वृंदावन रह के कहा करें। इन्होंने यों ही हाथ हिलाते हुए संकेत किया कुछ नहीं। अभी इनका संकेत समाप्त भी न हुआ था कि तुरंत दूसरी ने कहा वृंदावन रह के भजन करें। हाथ दिखाते हुए संकेत से पूज्या उषा जी ने भाव दर्शाया कि मेरे पास माला कहाँ है। अब वे दोनों ही बालिकाएं बोली माला लेकर भजन करने को भजन ना कहें। अपनी नम्रतावश पूज्या उषा जी ने पुनः ऐसा ही संकेत किया तो उनमें से एक बोली जो सांस सांस में नाम लेवे वे यूं न जाने की लेवे हैं, जैसे सांस लेते रहें पर यूं भान थोड़े ही होवे कि सांस ले रहे हैं। ऐसे ही जो निरंतर नाम ले
उन्हें कुछ भान न होवे। जो गिनती ते करें सो यूँ जाने कि हमने इतनों कियो। सार गर्भित इस बात को सुन पूज्य उषा जी को यह तो निश्चय हो गया था कि यह बालिकाएं कोई साधारण नहीं। बीच बीच में मन होता तो पूछ लें, परंतु कुछ सुयोग ऐसा नहीं बन सका। उनमें से एक सखी ने पूछा, ब्याह भयो? इन्होंने अपने मुख की ओर संकेत कर कहा, मुख तो ऐसो है, ब्याह कैसे हो तो। दूसरी बोली, नाए ब्याह तो सबन को है जाए। पहली ने तुरंत कहा, ब्याह ना कियो, भजन करवे के ताई। ब्याह भयो श्याम सुंदर के संग, उनकी ताई भजन करवे को वृंदावन बास करे। ये हंस पड़ी। एक ने पूछा, घर में कौन कौन है? पूर्व परिचित की भांति दूसरी बोली, भैया हैं, भतीजा हैं। एक पुनः बोली, खर्चा कहाँ ते चले? भिक्षा का संकेत करते हुए इन्होंने कहा, भिक्षा से। दूसरी बोली, भैया भतीजा भेज देते होंगे। पूज्य उषा जी ने संकेत से पूछा, तुम लोग कहाँ रहो? वे दोनों बोली, हम तो यहीं रहें। पूर्व परिचित तथा सर्वज्ञ की भांति उनके प्रश्नोत्तरों से एक कौतूहल बना रहा। बात समाप्त हो गई। संध्या की श्यामलता बढ़ चुकी थी। पूज्य उषा जी अभी इन्हीं विचारों में मग्न वहां बैठी उन बालिकाओं की सर्वज्ञता के विषय में सोचती रहीं, और वे दोनों किशोरियां वहां से चल दीं। एक कौतूहल था तथा आकर्षण तो बना ही था। उन बालिकाओं के जाते ही यह भी चलने को उद्यत हुईं तो घूमकर देखा, वहां कोई भी न था। अब इन्हें अधिक जिज्ञासा हुई और शीघ्रता में इधर उधर नीचे सभी ओर देखा तो वे किशोरियां वहां न दिखीं। वे बालिकाएं अदृश्य हो चुकी थीं। उनकी पूर्व परिचित तथा सर्वज्ञतापूर्ण बातों से इन्हें लगा, निश्चित ही ये दोनों प्रिया जी की सखियाँ थीं। अपने अपार अनुग्रह तथा ममतावश प्रिया जी ने इनके पास भेजा था। प्रिया जी की इस अपार कृपा ममता का स्मरण कर पूज्य उषा जी आह्लाद में भर मग्न हो गईं। हम पूर्व में कह आए हैं कि पूजनीय उषा जी नियम से दोपहर को एकांत में चली जाया करती थीं। यह क्रम बरसाने में भी चलता रहा। आज सांकरी खोर के क्रमानुसार मटकी लीला का आयोजन था। प्रिया जी दही की मटकी लेकर सांकरी खोर होती हुई चकसोली गांव से बरसाना जाती। नंद नंदन सखाओं सहित दान लेने हेतु पूर्व से ही वहीं छिपे रहते। दान लीला का यह आयोजन प्रतिवर्ष उसी भावना से मनाया जाता है। सभी भक्तवृंद इन समायोजनों को प्रत्यक्ष मनाते हैं। अपनी अपनी भावना अनुसार अनेक महजनों को प्रत्यक्ष सरस अनुभूतियाँ होती हैं। इतिहास साक्षी है इन सब का। इन्होंने भी अपने एकांत में देखा, प्रिया जी अपनी सखियों सहित सिर पर मटकी धरे सांकरी खोर से आ रही हैं। अत्यंत सुहावना समय है, धूप किंचित फीकी है। उस सांकरी गली की ऊंची ऊंची पगडंडी से धीरे धीरे कभी एक शिला पर पग धरती हैं और कभी दूसरी पर। अपना संतुलन ठीक कर रखने के लिए कभी कभी पूरी तरह झुक जाती हैं। इस प्रकार पीछे सखी मंडली चली आ रही है। इधर प्रिया जी के दाईं ओर के वृक्ष झुरमुट में श्याम सुंदर अपने सखाओं सहित विराजमान हैं। प्रिया जी जब मार्ग के मध्य आती हैं तो श्याम सुंदर बड़े ही वेग से उनकी दृष्टि बचा आ घेरते हैं। यह छेड़छाड़ सरस राड़ में परिणित हो जाती है। वे दूध दही मांगते हैं, परंतु सुरस चाह में पगी प्रिया जी न देने का मिस ढूंढ चलने लगती हैं। तभी प्रणय आवेग को संभालने में सर्वथा असमर्थ श्याम सुंदर गोरस तो लूटते ही हैं और गोरस के मिस जो रस चाहत उसका आस्वादन भी करते हैं। यह सरस लीला पूज्य उषा जी ने देखी। उस गोरस में स्निग्ध शिला का पूजन ब्रजवासियों की भांति श्याम सुंदर स्वयं भी कर रहे हैं। दधि दान मिस हुई राड़ तकरार में फूटी मटकी के अवशेष संभालते उठाते घूम रहे हैं। ऊपर खड़ी प्रिया जी वहीं से इन्हें देख रही हैं। दोनों ने परस्पर पुनः देखा और रहस्य भरी मुस्कान दोनों के ही मुख कमलों पर पुनः विक्रीड़ित हुई। अब उस रसमाधुरी ने हास्य का रूप ले दोनों में एक और ही सरसता का संचार कर दिया।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।